देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र रत्न का सम्मान दिया। सुप्रसिद्ध कवि रमेश तेंदुलकर और रजनी तेंदुलकर यांचे सुपुत्र दिल्ली के मावलंकर हॉल में हुए इस कार्यक्रम में सचिन अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ पहुंचे। इस मौके पर सचिन अलग ही सजधज के नजर आए। उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा था। इस सम्मान पाने वालों में नाना पाटेकर भी शामिल हैं। दैव पूजन करत असलेले आदरणीय नाना पाटेकर आता तर ते राजनीतीतही दिसणार आहे। जब पूरा महाराष्ट्र अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है, ऐसे मौके पर दिल्ली में महाराष्ट्र की कुल 8 हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में विलास राव देशमुख, शरद पवार, शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे और नाना पाटेकर समेत महाराष्ट्र की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। एक बार फिर रसोई को लग गई है महंगाई की नजर। जी हां, चौतरफा महंगाई के बीच अब दूध भी आपको राहत नहीं देगा। दिल्ली एनसीआर में अमूल ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। अमूल का टोंड और डबल टोंड दूध 1 रूपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 मई से लागू कर दी गई है। टोंड पहले 20 रूपए था, अब 21 कर दिया है। टोंड पहले 23 था, 24 कर दिया। कारण बताते हैं कि चार एक का महंगा होना, दूध की प्रोडक्शन का कम होना और ट्रांसपोर्ट की लागत का बढ़ना। पिछले महीने 20 तारीख को मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी की थी। महंगाई से दो दो हाथ करके बमुश्किल रसोई संभाल रही महिलाएं इस ताजा छटके से नाखुश हैं। जो दूध मैं 3 किलो लेती थी, अब वो मुझे 2.5 किलो और रेट बढ़ता हुआ इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे 2.5 से मुझे 2 किलो तक करना पड़ रहा। 6 महीने में 2 बार दूध बढ़ गया है। अब बच्चों को हम दही भी नहीं खिला सकते गर्मियों में, ना बच्चों को लस्सी पिला सकते। जाहिर है लोग अफसोस के अलावा करे भी तो करे क्या, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और सरकार है कि उसे महंगाई नजर ही नहीं आती। रवि भारती, दिल्ली आज तक। पुलिस अगर वक्त पर यहां पहुंचती तो शायद ये खूनी खेल रुक जाता। जी हां, बेहद दर्दनाक तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक घर की हैं, जहां बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग और उसकी बहन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। घर के पड़ोसियों से इस पूरे मामले में एक तकनीकी खामी का भी खुलासा हुआ है। मृतक के पड़ोसी ने जब घटना की जानकारी 100 नंबर पर देनी चाहिए तो फोन फरीदाबाद के कंट्रोल रूम में ना मिलकर बार बार दिल्ली कंट्रोल रूम में मिल जाता था। लेडीज मेरे को जैसे नीचे से ग्रिल में दिखा दी, लेडीज है सब, जैसे टाइम हुई है तो मैंने गेट खोला, उसके बाद गिर गई। इस मामले में पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस इसे प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद मान रही है। ज्यादातर यही कारण लगता है कि इनका कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है। बहरहाल हमलावर कौन थे और क्या थी हत्या की वजह, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन वक्त रहते फरीदाबाद पुलिस का नंबर लग जाता तो शायद ये खूनी कहानी न लिखी जाती। सचिन गौड़, फरीदाबाद आज तक।